please share your success story, that how you got the success, how was your experience in i4best, because I have seen that earlier you were always witnessing numbers of others, you know, persons, who those who were celebrating the success. At that time I used to say that see, ek din aisa aayega jo aap bhi isi tarike se hamare samne baith ke success apna celebrate karoge. To main chahta hu aap kuch apna experience share kijiye, jo kaise aapko success mila, kis tarike se aapne interview face kiya, क्या क्या चीजें बिगनिंग स्टेज में जब आप आई फॉर बेस्ट में, उस वक्त में क्या चीजें जहन में थी, और जब आई फॉर बेस्ट में जैसे जैसे आपने टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद जैसे आपको सपोर्ट मिला और अल्टीमेटली टुडे आप सक्सेसफुल हैं, और आपको देख के बहुत सारे एस्पायरेंट सोचेंगे मेरे को भी ऐसा सक्सेस मिला. हर कोई अज्यूम करता है, जब दूसरे सक्सेसफुल पर्सन को देख के अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन करते हैं. तो आपकी बहुत सारी एक्सपीरियंस, जो आपकी एक्सपीरियंस स्टोरी होगी और जिस तरीके से आपने सक्सेस आपको मिला है, वो चीजें उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक पाथफाइंडर का काम करेगा. सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. थैंक्स टू आई फॉर बेस्ट एंड आवर मेंटर जयप्रकाश सर, उन्होंने बहुत गाइड किया हमें, और मैं तो उन्हीं के नोट्स फॉलो करती थी पहले से ही. और यहाँ का पता चला फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग संजुक्ता घोष, उसी ने मुझे यहाँ का रेफरेंस दिया. तो जब मैं पहली बार आई थी, सर के साथ ही बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो सर ने बोला कि क्या होता है यहाँ पे, मतलब कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली, फिर उसके बाद कैसे प्लेसमेंट वगैरह देते हैं. तो तब मुझे मतलब सर के बातों से, आई थिंक पहली बार आप आए थे तो जस्ट क्वेरी करके गए, तो उसके एक या दो महीने बाद आता है. हाँ, यस आई रिमेम्बर. उसके बाद हम आए तो फर्स्ट क्लास ही बहुत इम्प्रेसिव था, मतलब द वे ऑफ टीचिंग, आई मीन जैसे सर पढ़ाते हैं, सर के वे मतलब समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था. तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी हर वीक, मतलब एवरी वीक सैटरडे को क्लास रहती थी मेरी, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि कब सैटरडे आएगी और मुझे वो क्लास अटेंड करने को मिलेगा. तो ऐसे ही जर्नी बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, और मैं बस सर के नोट्स फॉलो करती थी, और मैं आगे भी सबको मतलब रेफर करूंगी कि आई फॉर बेस्ट को ज्वाइन करें. अगर कोई एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट देम टू ज्वाइन आई फॉर बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे सर जो भी पढ़ाते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं सर. तो यहाँ का जो भी नॉलेज गेन करेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि उनको प्लेसमेंट मिलेगी अगर सर को फॉलो करेंगे. तो थैंक्स कि मेरा तो ड्रीम जॉब था सर की एचआर में. Exactly. ही मैं आप ऑलवेज बहुत ज्यादा आप हमेशा एचआर के बारे में सोचते थे. आप एचआर को लेके सीरियस थे, और ड्यूरिंग द क्लासेज आल्सो आई हैव सीन दैट बहुत ज्यादा पैशन आपको रहता था. सर ये चीजें कैसे है, लेकिन हाँ एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज जो मैं आपका देखा, जो क्लास में भी यू जो चीजें मिस हुआ तो उसको लेना करना है, फिर कवर अप करनी है, उसको लेके सिंसियरिटी रहता था. तो वो सभी वजह होता है सक्सेस का. छोटी छोटी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स में आपको बताना चाहता हूँ, जो इनका एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो अगर कुछ मिस हुआ तो उनके लिए बहुत ही सीरियस होती थी, कैसे इसको मैं मैनेज करूँ. फिर सर वो पुराना चीज एक बार बता दीजिए, पूछ लेती थी अगली क्लास में, पहले वही पूछती थी फिर उसके बाद आगे बढ़ती थी. Yes. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस इनका शो करता था, और उस वक्त ही मुझे कॉन्फिडेंस आता था, जो कि जो नहीं, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना आसान रहेगा आपके लिए, जब एक बार आपको अगर, क्योंकि आप इतने प्रिपेयर हो, जब सही से हम सीरियसली प्रिपरेशन लेते हैं तो रिजल्ट आते हैं. उसी की वजह से आज जीता जागता सबूत है ये, जो कि जो आज सक्सेसफुल है, कामयाब है. गाइज अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो बहुत सारे चेक करो तो आप उसमें देखोगे जो ये खड़ी है कहीं पे, और आज मेरे सामने बैठी हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रही हैं. और मैं चाहता हूं जो कि जो आप लोग को एक इंस्पायरेशन मिले इनसे, इंस्पायर्ड हो, जो अगर उनको सक्सेस मिल सकता है तो व्हाई नॉट यू पीपल. और अगर आप कामयाब हैं तो अदर्स भी आप कामयाबी से लेसन लेके वो भी सोच सकते हैं मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ. और एचआर प्रोफेशन में तो खास के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज. अब वो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर एक बार आपके पास आ गई, मैच्योरिटी आ गया, एक्सपोजर आ गया, तो बिल्कुल आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एचआर में काफी कामयाब होंगे.